शिवपुरी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले टेकरी बाजार में रेडीमेड गारमेंट शॉप का संचालन करने वाला एक दुकानदार लापता हो गया है। घटना की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज करने के बाद दूसरे दिन बाद तक भी जब दुकानदार का कोई सुराग नहीं मिला तो इससे आक्रोशित दुकानदारों ने टेकरी बाजार बंद कर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही दुकानदारों ने एडिशनल SP संजीव मूले को ज्ञापन देकर व्यापारी को खोजने की मांग की है। यहाँ आपको बता दें कि रेडीमेड गारमेंट शॉप संचालक सोमवार की सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, फिर वापस घर नहीं लौटे। परिजनों ने काफी तलाशने के बाद कोतवाली थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। परिजनों ने बताया कि विपिन तिवारी 33 ने कुछ दिन पहले ही मॉर्निंग वॉक पर जाना शुरू किया था। सोमवार सुबह 6 बजे वे घर से सैर पर निकले थे। हर दिन वे सुबह 9 बजे तक घर वापस आ जाते थे, लेकिन आज वे दोपहर तक घर नहीं लौटे। इस पर परिजनों ने उन्हें काफी तलाशा, उनका मोबाइल भी बंद आ रहा था। इस घटना को लेकर क्या कुछ कहा एडिशनल SP संजीव मूले ने, देखिए रिपोर्ट। अचानक से और आज मार्केट भी उसको लेकर बंद हुआ, आप लोगों से भी बाजार के प्रतिनिधि, समाज के प्रतिनिधि मिले, क्या कुछ इसमें अपडेट्स हैं सर 24 घंटे में? हाँ, ये कल विपिन तिवारी जी हैं, टेकरी पे रहने वाले, जो कपड़े का व्यवसाय करते हैं। सुबह 6:30 बजे घर से निकले थे, उसके बाद लौटे नहीं हैं। तो उस संबंध में दिन में कोतवाली पर गुमशुदगी कायम हुई थी, जो अभी हम लोग जाँच कर रहे हैं। और जाँच के दौरान कुछ बिंदु मिले हुए हैं और पार्टियां वगैरह रवाना की हुई हैं, और जैसे भी बरामदगी होगी उसके बाद आगे की कार्रवाई। अच्छा सर, कोई CCTV कैमरे में या किसी जगह कुछ ट्रेस? हाँ, चल रहा है, हाँ चल रहा है, जाते हुए दिखे हुए हैं, कुछ बिंदु और मिले हुए हैं तो उस पर जाँच कर रहे हैं। अरे क्या मामला हो सकता है सर अचानक से घर से? अचानक नहीं, अभी परिजनों से चर्चा वगैरह की है तो ऑथेंटिक, अभी जो मतलब पुख्ता मामला है जब सामने आएगा तो उसके आधार पर फिर बता सकता हूँ मैं। अभी कुछ प्रॉब्लम? हाँ, अभी कुछ प्रॉब्लम।